हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में, जो कि हर्षवर्धन के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। इसमें पहली जो चीज है वो है पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्री किसी भी चीज की कितनी लंबी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेक्टेंगल ले लें या फिर एक स्क्वायर ले लें। तो अगर आप एक रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, राइट? ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। नाउ मैं लिख देता हूं कि एक रेक्टेंगल है, राइट? और ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। नाउ आपने याद करें कि क्या पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स जो है, एडजेसेंट मतलब ये वाली और ये वाली, जो अगल बगल वाली साइड्स हैं, ये इक्वल नहीं होती। एक ज्यादा लंबी होती है, एक कम लंबी होती है। तो ये जो ज्यादा लंबी है, इसको हम जनरली लेंथ बोलते हैं, एल, एल फॉर लेंथ। और ये जो कम लंबी है, जिसको हम हिंदी में चौड़ाई कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विड्थ या फिर ब्रेथ, या तो बोलते हैं विड्थ और या फिर बोलते हैं ब्रेथ। तो जब आप बात करते हैं ना रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो आप एक इस लाइक की एक बच्चा है जो यहां से चलना शुरू करता है, पूरा ऐसे डिंग 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 करके वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो कवर कर रहा है। तो इसका मतलब बाउंड्री भी वो पूरा का पूरा चल रहा है। इस लाइक की आप शादी में गए हैं और उसकी कोई सी फार्म हाउस में या लॉन में घूम रहे हैं, पूरा चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसके, ठीक है ना। अगर आप देखें इसमें होगा क्या, ये वाली लेंथ L है, L मतलब लेंथ, और ये वाली जो बाउंड्री है वो भी लेंथ है। तो ये लेंथ को आप कवर करेंगे तो L प्लस L, एक तो ये डिस्टेंस आपने कवर करना है, साथ में आपने ये वाली दीवारें भी कवर करनी है, तो B प्लस B, 2B ब्रेथ। इसी फॉर्मूला को हम लोग 2 कॉमन लेकर के L प्लस B बोल देते हैं। ये आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ठीक है। और आप चाहे तो आप वैसे भी चारों को साइड्स को ऐड कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में वैसे भी निकाल सकते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। जबकि जब मैं स्क्वायर का जिक्र करता हूं तो उसमें सारी साइड्स बराबर होती है। मान लेते हैं ये ए है, ए बी अपा चप्पा चाप्पा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप, तो ये ए है तो सारी ए हो जाएगी। तो क्योंकि ये सारी साइड्स बराबर है तो आप सभी को ऐड कर देंगे, आप यहां से यहां 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 सब जगह चक्कर लगाएंगे, तो a प्लस a प्लस a प्लस a टोटल 4a हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो जब आप एक स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका पेरीमीटर 4a होता है, जबकि जब आप बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो वो होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b। तो ये जो हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखा है अभी अभी, इस पर बेस हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली सिचुएशन में कि कैसे कहानी चलती है। तो आइए फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है। तो क्वेश्चन इज सेइंग एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो सारी साइड इक्वल होती है तो सारी साइड 12 हो जाएंगी। वो कहता है कि इसका पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी कि 2l प्लस b जितना है उतना ही हमारा 4a है, राइट? दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। फिर कहता है कि इसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है इसकी 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी 4 ही होगा, इक्वल होता है, राइट? और आपको इसका ब्रेथ निकालना है, ये चीज मालूम नहीं है, ब्रेथ आपको निकाल ना, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 2 कलर चेंज कर लेते हैं, 2 एल प्लस बी, ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट? नाउ आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, अगर एक साइड 12 है तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करके आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से,
कि अगर आप a की वैल्यू 12 रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 48, राइट। नाउ अगर आप देखें इसको कि भाई इसमें आप देखिए, मैं फॉर्मूला वाइज बता रहा हूं आपको और वैसे भी बता रहा हूं कि आप देखें कि भाई यहां पर आपको लेंथ दी हुई है 4, तो आप लिख देंगे 4 प्लस बी, 2 फोर ज 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय भी आ जाएगा 2 बी। तो आप जब 8 को उधर ले आके माइनस करेंगे तो 48 माइनस 8 हो जाएगा, तो 2 बी आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा 40 के। और जब आप डिवाइड में लेके जाएंगे ना, b की वैल्यू आ जाएगी 45 में, जो कि कट करके आपका 20 आ जाएगा। देखिए ये चीज समझने के लिए आपको एलजेब्रा आनी चाहिए। तो अगर आपने एलजेब्रा की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप एलजेब्रा की वीडियो देख ले, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये आपका आंसर क्या इसको करने का, यही एक तरीका था? जी नहीं, इसको करने का एक स्मार्ट वे भी है। देखिए उस बारे में भी बात करें, आपको पता है कि क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम है तो आप कह सकते हैं अगर इसकी एक साइड 12 है तो सारी साइड 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 48 हो जाएगी। भाई 48 में से ये चार है, ये चार है, भाई इसका पैरामीटर सेम है बाउंड्री का, तो 4 प्लस 4 8 हो गई, तो 48 में से 8 घटाओगे तो बचा 40, यानी कि ये और ये मिलकर के 40 है, तो ये भी 20 हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी, तभी तो मिलकर के 40 हो रहा है। तो आप इस तरह डायग्राम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और अगर आपको प्रॉपर एलजेब्रा आता है तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों आइडिया लग गए होंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली पेरीमीटर का मतलब होता है कि बस आपने बाउंड्रीज का सम ढूंढना और कुछ भी नहीं होता। तो आई होप कि यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आइए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक गार्डन है जो कि 300 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि ये जो आपके लेंथ है ये भी 300 मीटर है और ये भी 300 मीटर है, और कह रहा है कि 200 मीटर ब्रॉड है, मतलब ये 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर है। नाउ वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डस दीपक कवर इन वॉकिंग 5 टाइम्स। तो यहां से लेकर के वो डिंग 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 एक बार चक्कर काटेगा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, फिर पांच बार। तो मतलब आपका जो पेरीमीटर है ना वो 5 टाइम्स कवर कर रहा है। तो एक बार का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 300 प्लस 200, 500 और 500 और 500, 1000। तो अगर वो 1000 मीटर जाता है एक बारी में, सो 5 टाइम्स में वो 5000 मीटर जाएगा। हालांकि 1000 मीटर को आप किलोमीटर भी कह सकते हो और इसको 5 किलोमीटर भी कह सकते हो। क्या यही एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जी नहीं। आप इसको अगर स्कूल में लिख के आते हैं तो कैसे लिख के आते हैं? आप बोलते हैं पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला होता है 2l plus b, twice of l plus b। तो आप बोलते हैं twice, लेंथ कितनी है आपकी 300 मीटर और आपकी ब्रेथ कितनी दी हुई है 200 मीटर, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे कि एक बार का पेरीमीटर 1000 और 5 टाइम्स का 5000 मीटर हो जाएगा, या फिर आप 1000 मीटर को किलोमीटर लिखेंगे तो 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप इस तरह पेरीमीटर का क्वेश्चन, चाहे वो रेक्टेंगल हो या वो स्क्वायर हो, कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत बेसिक सी बात तो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर जो आप शेप देख रहे हैं इसका नाम आप सभी ने सुना हुआ है, यह है सर्कल। नाउ सर्कल का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ये आप पॉइंट देख रहे हैं ना जो बीच में दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो जब एक सेंटर से आप एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हो और उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ड्रॉ करते हो और फिर एक और पॉइंट ड्रॉ करते हो, फिर आप एक और पॉइंट ड्रॉ करते हो, फिर आप एक और पॉइंट ड्रॉ करते हो, एक और, इस तरह आप मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट जब ड्रॉ करते हो, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट, तो उनको ज्वाइन करते करते करते
आप एक ऐसे फिगर को पाते हो जिसे हम परफेक्टली बोलते हैं सर्कल। सर्कल में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अभी बताते हैं इस बारे में आपको कि किसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। देखिए, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना यहां पर, ये कहलाता है आपका रेडियस। क्या कहलाता है आपका? रेडियस। ठीक है, नाउ आप ये याद रखें कि रेडियस जो ये वाला आपका रेडियस है, और अगर आप यहां भी एक रेडियस ले लें तो ये आपका डायमीटर हो जाता है। ये मिलाकर क्या बन जाएगा? आपका डायमीटर बन जाएगा, राइट। तो एक बार एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो सर्कल का पेरीमीटर है, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे सर्कल बनाए और धागे से नापना शुरू करा। लेकिन उनकी भाषा अलग थी, तो उन्होंने सर्कल को पेरीमीटर ना बोल करके सी फॉर सर्कमफेरेंस बोला। क्या बोला? सी फॉर सर्कमफेरेंस। धागे से पूरी बाउंड्री नापी और उसको सी फॉर सर्कमफेरेंस का उन्होंने नाम दिया। और फिर उन्होंने इस ही बाउंड्री को, ये जो धागे से उन्होंने बाउंड्री नापी थी, उसको ये वाली बाउंड्री नापी धागे से, ये वाली बाउंड्री जो डायमीटर कहलाती है। डायमीटर क्या कहलाती है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये जो सीधी आपको लाइन दिख रही है ना, रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये डायमीटर कहलाती है। तो इससे उन्होंने डिवाइड कर दिया, और जब उन्होंने इसे डिवाइड किया तो उनको एक अजीब वगैरह नंबर मिला, 3.1428 ब्ला 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 करके, बहुत बड़ा सा नंबर। तो ये जो सर्कमफेरेंस है इसको हमने डिनोट किया सी से। डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के। और जो आपका ये जो वैल्यू है इसको उन्होंने नाम दे दिया पाई। पाई। तो यहां से जब आप इसको उधर लेके मल्टीप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस इज एज सेम एज पेरीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr, जहां पाई की वैल्यू को 22/7 माना जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होती, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ ऐसी होती है अजीबो गरीब, और उसको तो आप लेके सॉल्व करना भूल ही जाओ, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो आप इसको अप्रोक्स करते हो यहां तक 3.14 तक, या फिर इसको आप 22/7 लेके चलते हो, पर 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू इरेशनल है, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको इस सर्कल के पेरीमीटर को निकालने का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूं, ताकि आपको बेहतर आइडिया लग सके। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि आप रेडियस कैसे निकाल सकते हैं सर्कल का, सॉरी सर्कमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं सर्कल। तो मैंने आपको बताया कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो होता है 2πr, राइट, जिसमें 2 तो 2 है। पाई की जो वैल्यू होती है वो आप 22/7 ले लेते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, थोड़ा सा फर्क आता है इसमें। और रेडियस आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14 cm। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 के टेबल में 14 आता है 2 पर, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 88 हो जाएगा, 88 cm आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये जो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब हम पेरीमीटर की बात को यहीं खत्म करेंगे और शुरू करेंगे एरिया के बारे में पढ़ना। और जब हम एरिया और पेरीमीटर को पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम इन पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे और इनको और बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब तक हम पेरीमीटर की बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे एरिया की। तो देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन मान लीजिए कितनी भी लंबी हो सकती है, मान लीजिए एल एल सेंटीमीटर लंबी है ये। आप इस तरह एक और लाइन डालें, एक और लाइन डालें, तो आप बोलेंगे कि भाई इतनी मोटी हो जाएगी आपकी स्ट्रिप, है ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसे अगर आप स्ट्रिप गिन नहीं सकते, तो आप ये गिनते हैं कि उन स्ट्रिप से आपको कितनी मोटाई क्रिएट हो रही है, राइट। उन स्ट्रिप से आपको, उसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स है, राइट, आप बहुत सारी स्ट्रिप्स तो नहीं गिन सकते एक साथ लगाओगे तो, पर आप ये गिन लेते हैं कि उनकी कितनी विद है, यानी कितनी वो चौड़े हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है आप
कोई भी एडजेसेंट साइड हो, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो देखिए ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एल इन टू बी करके आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर में मैंने बताया था इसकी सारी साइड बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ए इन टू ए करके या फिर इसे ए स्क्वायर भी कह सकते हो आप, या फिर इसे क्या कह सकते हो ए स्क्वायर, और इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। जबकि अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो आपको पता है सर्कल में ये रेडियस होता है राइट, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, जहां पर पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 22/7 होती है। तो अब हम इन्हीं तीनों आइडियाज पर बेस्ड निकालने की कोशिश करेंगे इनके एरियाज, और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं शानदार क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया है, जो भी एरिया है उतना ही एरिया इस सर्कल का भी है, और इस सर्कल का रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको यह निकालना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है। आप देखें अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल सेम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इन टू बी, और जो ये जो आपका सर्कल है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पर लेंथ आपको नहीं दी हुई लेकिन ब्रेथ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है कि आपको आर को दो बार लिखना है, तो आप 28 × 28 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 7 × 4 = 28। तो अब आप 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 22 × 4 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 से 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने क्या यूज करा, मैंने आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इस्तेमाल किया एक साथ क्वेश्चन में, और दोनों को बस कैंसिल आउट कर लिया और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इक्वल में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का एरिया क्वेश्चन में सेम लिखा है, लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उस ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है इज एज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है, तो दोनों का एरिया सेम था, तो मैंने उसी चीज को इस क्वेश्चन में यूज करा है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी यहां तक बात, राइट। चले आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा इनको मिक्सअप करके आप किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है 30 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 30 मीटर्स। तो और रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ, ये लेंथ दी हुई है आपको 7 और ये दी हुई है 3। जब रेशियो को हम हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज में कंसिडर करते हैं ना, तो साथ में एक्स या वाई या जेड कुछ भी मान देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर से तब एक्चुअल वैल्यू आती है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे को पता है कि जो पहली मतलब ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी राइट, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। अब आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 7 + 3 = 10 और 10, तो आपका पेरीमीटर 20x दिया हुआ है, लेकिन रियलिटी में 20x नहीं, रियलिटी में दिया हुआ है आपको 30 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर या फिर 3/2 लिख सकते हैं, और आप x की वैल्यू को आप लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 × 7, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 3/2 है और 7 लेंथ में था ही ऑलरेडी, तो ये आपका आ जाएगा 21/2 मीटर। और दूसरी तरफ आपका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ था 3x, तो 3 × 3/2 = 9/2 आ जाएगा मीटर। तो ये एक तरीका था जिससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे,
पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, राइट, हमने वीडियो में पहले पढ़ा था और इसका आंसर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब आप ये कह सकते हैं कि बॉस मेरे को 2 तो उधर जाके पहले डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 13 से डिवाइड होकर 15 मीटर आ जाएगा। अब लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 7x, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3x, तो 7x प्लस 3x लिख दोगे आप, प्योर एलजेब्रा है ये, प्योर एलजेब्रा। और इसलिए मैंने कहा था कि इन सब चैप्टर से पहले आपको एलजेब्रा सीखना पड़ेगा। तो आप 10 को डिवाइड में लेके जाएंगे ना जब, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, x = 15/10, आप काट लीजिए 5 से, 5 3 15, 5 2 10, तो तब भी आपका आंसर 3/2 मीटर आ जाता है। तो आप चाहते तो ऐसे पूरा फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते थे, और अगर आपको इस तरह से अच्छा नहीं लगता तो फिर आप डायरेक्टली जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा, कुछ सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। तो ये आपको कुछ बेसिक आइडिया लग रहा हो क्वेश्चंस का, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम 60 दे रखा है, तो सारी साइडों का सम मतलब क्या, पेरीमीटर। तो भाई अगर चारों साइड बराबर है और सबको मिलाकर के 60 है, तो हर एक साइड हो जाएगी 15 15। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो क्या पढ़ाया था, 4a पढ़ाया था, जिसका वैल्यू आपको 60 मीटर दिया हुआ है। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 / 4, 15 मीटर। अगर आपको साइड मालूम है जो कि इक्वल होती है स्क्वायर में, तो आप एरिया निकाल सकते हैं दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो एरिया क्या आ जाएगा, 15 × 15 कितना होता है बच्चों, 225। और इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक होता है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां से काफी कुछ समझ में भी आया होगा। तो बस हम इतना ही रखेंगे इन दिस वीडियो, हम लोगों ने बात करी पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में और कुछ क्वेश्चन बात किए। बाकी प्लेलिस्ट में मैं और भी टॉपिक्स डाल दूंगा और आप उसे देखते जाइएगा, मैं आपको अब बता दूंगा उस बारे में और शेयर भी कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।